हेलो दोस्तों, आज हम शब्द परिचय के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के कितने भेद होते हैं देखिएगा। शब्द परिचय अर्थात शब्द के परिचय में हम पढ़ेंगे पहले शब्द किसे कहा जाता है, शब्द के कितने भेद हैं। तो शब्द में परिचय में हम देखेंगे पहला जो आता है इसमें रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर यह तीन प्रकार का होता है, रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भाव शब्द, भेषज शब्द, विदेशज शब्द, और जो पांचवा है आपका इसका नाम है संकर। तीसरा आता है आपका प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। इसके बाद आता है आपका अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर यह दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका निरर्थक शब्द, दूसरा होता है सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द के कोई भेद नहीं होते हैं, जबकि सार्थक शब्द चार प्रकार का होता है, एक आर्थी शब्द, अनेक आर्थी शब्द, काफी शब्द, इसी को विलोम शब्द भी कहा जाता है। इसके बाद आता है समानार्थी शब्द, इसी को पर्यायवाची कहा जाता है। ध्यान से देखिए, एक बार लिखिए मत वीडियो मिल जाएगा, वीडियो अच्छे से आप उतार लीजिएगा, देख देखिए। पहले बोर्ड पर देखिए, हमने बताया शब्द क्या है ना, शब्द क्या है, तो हमने बताया शब्दों में होता क्या है, शब्दों में मेल किसका होता है, वर्णों का, किसका मेल होता है, वर्णों का। तो अगर हम कहें कि शब्द की क्या परिभाषा होता है, ये होता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो एक सार्थक समूह बनता है। सार्थक क्या अर्थ होता है, जिसका कुछ अर्थ हो, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए नए सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। आप कहेंगे एक शब्द में होता क्या है, तो वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल होने के साथ उसका कुछ अर्थ हो तो ही हमारा क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तर्पण हुआ। इसके साथ साथ हमने बताया कि जो ये आपका शब्द है इसके कई भागों में बांटा गया है, ये आपके रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना और बनावट के आधार पर यह तीन प्रकार का, कौन कौन सा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। फिर आ गया देखिएगा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और कौन सा शब्द भैया, संकर शब्द। कन्फर्म हुआ। यहाँ देखिएगा प्रयोग के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा कौन सा शब्द होता है, अविकारी शब्द होता है। फिर देखिएगा अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है, तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कौन कौन सा है आपका, निरर्थक शब्द और कौन सा है आपका, सार्थक शब्द। देखिए निरर्थक शब्द के तो कोई भेद नहीं है, लेकिन सार्थक शब्द के भेद है, सार्थक शब्द के चार भेद हैं। देखिए ये आपको परीक्षा में पूछा जा चुका है, यूपी 3SC में भी जो पेपर संपन्न हुआ है
उसमें पूछा था कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो, दो प्रकार तो होता है, लेकिन आयोग इसको छोड़ देता है, इसको नहीं मानता, ये इसको मानता है चारों को, क्योंकि इसका इसका कोई भेद नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप जानते रहिएगा कि अर्थ के आधार पर दो प्रकार का होता है, लेकिन जब आपसे परीक्षा में पूछा जाए परीक्षक दृष्टि से कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, चार। कन्फर्म हुआ, कौन कौन सा भेद है आपका, एकार्थी, अनेकार्थी, द्विपरीतार्थक शब्द, और दूसरा चौथा क्या है आपका, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। कन्फर्म हुआ, इसमें अगर कोई जो भी पीसीएस अगर दे रहे हैं, जो लोअर पीसीएस जो छात्र इसमें बैठे हो, इसके साथ साथ जो समीक्षा अधिकारी आने वाले समय में जो समीक्षा अधिकारी का पेपर देंगे, वो लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ से इनका जो है 10 क्वेश्चन यहाँ से इनका बनेगा, इनका यहाँ से 10 क्वेश्चन अर्थात 20 नंबर का क्वेश्चन इनका यहाँ से होगा। इसके साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से आपका 20 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से, तो 20 क्वेश्चन आपका यहाँ से और 10 क्वेश्चन यहाँ से, कुल 30 क्वेश्चन आपका समीक्षा अधिकारी के साथ साथ आप समीक्षा अधिकारी में विशेष रूप से पूछा जाता है, ये हमेशा फिक्स रहता है। तो इस आधार पे आप ध्यान से बारी बारी एक एक चीज को आप अध्ययन करिए, बहुत आसानी से सिंपल में, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। देखिए, रूढ़ शब्द क्या है, रूढ़ शब्द क्या है, रूढ़ शब्द के संबंध में आप पहले समझ लीजिए, एक ठो रूढ़ शब्द क्या है। गणित आप पढ़ रहे होंगे तो एक पढ़े होंगे रूढ़ संख्या, कोई बताएगा रूढ़ संख्या किसे कहा जाता है? हाँ, क्या कहा जाता है बोलो, बहुत गणित पढ़ते हैं आप लोग, गणित का क्लास हमें लगता है ज्यादा चलता है। रूढ़ संख्या किसे कहा जाता है? कोई बात नहीं, ऐसी संख्या, ध्यान रखिए, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो, उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या। और रूढ़ संख्या का एक और नाम है अभाज्य, अभाज्य संख्या। देख रहे नहीं, अगर हम अभाज्य संख्या कहे होते तो आप पकड़ लिए होते, लेकिन हमने अभाज्य नहीं कहा, हमारा रूढ़ शब्द से मतलब था, इसलिए हमने रूढ़ संख्या पूछा। रूढ़ संख्या किसे कहा जाता है? तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित। आप बताओ सर जी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी रूढ़ संख्या कोई बताए? दो। कई बार परीक्षा में आपके सुपर टेट, टेट कई बार प्रश्न पूछा गया, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात की जाएगी तो वह क्या होगा? दो। यह एक से और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होगी, उसी को क्या कहा जाता है? रूढ़ है संख्या। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है रूढ़ संख्या, हमें मतलब किससे है? रूढ़ है शब्द से। कन्फर्म हुआ, रूढ़ शब्द कहा किसे जाता है? तो ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिसका सार्थक खंड न हो, ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड न हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। कन्फर्म हुआ, या आप कह सकते हैं ऐसे शब्द जिसको दो भागों में तोड़ने के पश्चात पहले का शब्द का कोई अर्थ ना हो, साथ ही साथ कोई दूसरे का भी कोई अर्थ ना हो, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। नहीं, कन्फर्म हुआ, ऐसे शब्द जिसको हम दो भागों में तोड़ दें, तोड़ने के पश्चात पहले का भी कुछ ना अर्थ हो और साथ ही साथ दूसरे का भी कुछ ना अर्थ हो, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लिख दिए गेहूं, देख रहे हैं नहीं, गेहूं, अब इसको हम दो भागों में तोड़े तो एक है आपका गे और दूसरा आपका क्या है? देख रहे हैं नहीं, अब यहाँ ना तो गे का कोई अर्थ होता है और ना ही किसका अर्थ होता है, हूं का कोई अर्थ होता है, तो ऐसे शब्द को हम कैसे, कैसा शब्द है? नहीं, कन्फर्म हुआ। जैसे देखिए, जैसे हम ऊपर लिख रहे हैं, जैसे लिख दिए चावल, अब हम चावल लिख रहे हैं कि चावल में कैसा शब्द है, किस प्रकार का शब्द है, आपके इस आधार पे जो है रचना या बनावट के आधार किस प्रकार का शब्द है, इसको दो भागों में तोड़िए तो ये देखिए एक तो होगा चा धन वल। देखिए यहाँ पर ना तो कोई चा का अर्थ होता है हिंदी में और ना तो कोई वल का अर्थ होता है, या ये भी आप कह सकते हैं चाव और धन, देख रहे हैं नहीं, तो आप ये कह सकते हैं चाव से खा रहे हैं, चाव का अर्थ है, अब मान लिया चाव का अर्थ होता है हिंदी में, लेकिन ल का अर्थ है तो सार्थक खंड नहीं हुआ, नहीं समझ रहे हैं? तो साथ इस प्रकार से चावल में कौन सा है, कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द। जैसे हम लिख दें आटा, देखिए हमने लिखा आटा, अब आटा को हम दो भागों में तोड़े, एक आपका होगा आ और दूसरा क्या होगा
आता। अब यहाँ पर ना तो आता कोई अर्थ है और ना ही किसका अर्थ है, टा का अर्थ है, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? कन्फर्म हुआ? सीधा सीधा बताइए, ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड ना हो, इसको ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ है। कन्फर्म हुआ? किसी कोई डाउट? चलिए, आपका रूढ़ शब्द हुआ। अब दूसरा देखिएगा, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहा जाता है? अब इसी का ही अपोजिट देखिए, थोड़ा सा मिलता जुलता। अब क्या है कि ऐसे शब्द जिनको दो भागों में तोड़ दिया जाए, तोड़ने के पश्चात पहले का भी कोई सार्थक अर्थ हो और दूसरे का भी कुछ सार्थक अर्थ हो, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। नहीं कर पाऊंगा, ऐसे शब्द जिसको दो भागों में तोड़ दिया जाए, तोड़ने के पश्चात, या आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड हो उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जैसे देखिए, जैसे हम लिख दें विद्यालय, देखा है ना, अब इसे तोड़ेंगे तो ये क्या होगा? विद्या, और फिर क्या होगा? आलय। अब देखिए, विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और आलय का अर्थ होता है, देख रहे कहीं सार्थक खंड हुआ कि नहीं? इसका भी अर्थ है, विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, तो इसका सार्थक खंड हुआ। तो ऐसे शब्द जिसका सार्थक खंड हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे लिख दें हिमालय, तोड़िए इसको दो भागों में, तो क्या होगा? हिम और धन आलय, देख रहे नहीं? तो हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ, और आलय का अर्थ क्या होता है? कन्फर्म हुआ? कन्फर्म हुआ? कैसे शब्द कहलाते हैं? जैसे कह दें राजपुत्र, 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 तो क्या होगा? राजा का, राज का अर्थ है राजा, और पुत्र का अर्थ पुत्र, दोनों का अर्थ है। तो आप बताइएगा, जब भी पूछा जाए परीक्षा में यौगिक शब्द किसे कहा जाता है, तो बताइए ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड हो। सार्थक खंड नहीं होगा तो क्या होगा? कहाँ हैं आप? अगर सार्थक खंड नहीं होगा तो क्या होगा? रूढ़ शब्द। और अगर सार्थक खंड होगा तो शब्द क्या होंगे? क्या होंगे? कन्फर्म हुआ? आगे देखिए, आगे कौन सा है? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द देखिए, ये भी इससे मिलता जुलता है, सबसे मिलते जुलते। अब योग रूढ़ शब्द क्या होगा कि ऐसे शब्द जिनको दो भागों में तोड़ दिया जाए, तोड़ने के पश्चात पहले का भी कुछ अर्थ हो, दूसरे का भी कुछ अर्थ हो। आधा परिभाषा इसका वाला, जो इसका है उसका वही परिभाषा इसका भी, बस इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसके दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। नहीं समझ रहे हैं? इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा मिलती जुलती है। आधा परिभाषा जो है योग रूढ़ शब्द की, आधा परिभाषा यौगिक शब्द की है। इसकी किसकी परिभाषा देंगे तो क्या होगा? ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड होने के साथ साथ उनका कुछ विशेष अर्थ हो, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? योग रूढ़। कन्फर्म हुआ? जैसे देखिए, जैसे हम लिखे पंकज, देख रहे हैं कहीं? अब पंक माने क्या होगा? इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा? पंक और धन ज, तो पंक का क्या अर्थ होता है? पंक का क्या अर्थ होता है? पंक का अर्थ होता है कीचड़। और ज का अर्थ क्या होता है? जन्मा, या उत्पन्न हुआ, या विकसित हुआ। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कौन? कमल, देख रहे हैं कहीं? अब ये कैसा कब, ये कैसा शब्द है आपका? कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। कथन हुआ? जैसे हम कहें, जैसे कहें वीरा पाण, वीरा पाण, अब देखिए वीरा पाण लिखा हुआ है, अब पूछा जाए बताइए यह कैसा शब्द है, तो आप इसको दो भागों में तोड़िए, तेरा होगा वीरा और धन क्या होगा? अब बीड़ा माने बीड़ा और पाणी माने हाथ, जिसके हाथ में बीड़ा हो अर्थात सरस्वती,
कन्फर्म हुआ ये किस प्रकार का शब्द है? योगरूप शब्द है। जैसे हम कह दें मोदक प्रिय, मोदक प्रिय। अब देखिए मोदक प्रिय, तो मोदक माने क्या होता है? लड्डू। और प्रिय हो जिसको, जिसको प्रिय हो, फिर किसको लड्डू प्रिय है? गणेश को। ये कैसा शब्द है? कैसा शब्द है? योगरूप। अब एक चीज इसमें देख ध्यान दीजिएगा, हमने इसके पहले समास आपको बताया, तो ध्यान रखिएगा योग रूढ़ के जितने भी उदाहरण होते हैं वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। इसके उदाहरण होते हैं बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। अगर आपको योग रूढ़ समझ में आ गया तो निश्चित रूप से आपका बहुव्रीहि समास भी हो गया। कन्फर्म हुआ? आपसे जब भी ध्यान रखना, अगर योग रूढ़ शब्द को अगर आ गया आपके दिमाग में, ये समझिएगा कि आपका बहुव्रीहि समास हो गया। समझ रहे हैं? नहीं, फिर से एक बार तीनों को देख लीजिएगा। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड ना हो, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। कन्फर्म हुआ? ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड हो उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड होने के साथ साथ उनका कुछ विशेष अर्थ हो उन्हें क्या कहा जाता है? कन्फर्म हुआ? इसके साथ साथ हमने आपको बताया क्या कि योगरूढ़ के सारे जो उदाहरण होते हैं सभी उदाहरण उसमें कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। कन्फर्म हुआ? मिटा दें इसे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर कोई दिक्कत हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, पूरी आज़ादी है। और जो ऑनलाइन छात्र पढ़ रहे हैं हमारे, और हमें कमेंट करके बताएं जो प्रश्न को दिक्कत होता है वो लिख करके पूछें। कन्फर्म हुआ? देखिएगा, अब देखिएगा एक होता है तत्सम शब्द और दूसरा क्या होता है? तद्भव शब्द। कन्फर्म हुआ? पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि भाषा का विकास का क्रम तत्सम शब्द तब तक नहीं आएगा जब तक आप पहले समझिए भाषा के विकास का क्रम। कैसे हिंदी आया, हिंदी कैसे आपका आया, किस प्रकार से हिंदी? ऐसी तो है नहीं कोई भाषा होती है बस उठा करके उसको तुरंत भाषा के रूप में रख दिया जाए, भाषा का रूप ले लेगी। भाषा का रूप ऐसे नहीं, देखिए भाषा भी क्या है? परिवर्तनशील है, भाषा बदलती रहती है लेकिन बहुत समय अंतराल पे भाषा बदलती रहती। तो अगर सबसे पहले अगर भाषा के संबंध में बात की जाए तो सबसे पहले भाषा कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। नहीं पढ़े हैं लगता है, संस्कृत वाले सर नहीं बताए हैं आप लोगों को। भाषा सबसे पहले कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। और इसी भाषा का आप जानिएगा कि ये आर्यों की भाषा थी। आर्य जानते हैं ना कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य एशिया से भारत में आए थे। तो मध्य एशिया के निवासी आर्य, और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। और आर्य का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ, अर्थात यह श्रेष्ठ लोगों की भाषा थी। तो सबसे पहली भाषा अगर मानी जाती है तो इसे माना जाता है संस्कृत को। लेकिन हमने बताया कि भाषा परिवर्तनशील है, भाषा भी बदल जाती है समय समय पे। तो संस्कृत से टूट करके आपका एक भाषा बनी जिसका नाम क्या है? पाली। देख रहे हैं नहीं, महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। इसे जो है पाली भाषा को जो है कहा भी क्या और क्या कहा जाता है? यह देश की प्रथम भाषा भी कहा जाता है पाली को। कन्फर्म हुआ? और पाली भी टूट गई किसमें? प्राकृत में। इसको ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी ने अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। और प्राकृत भी टूट गई किसमें? अपभ्रंश में। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है पतन। अपभ्रंश भी टूट गई किसमें? अवहट में। किसमें टूटा? अवहट में। और अवहट भी टूट गए किसमें? हिंदी में। और हिंदी भी टूट गई किसमें? हिंदी किसमें टूटी? मानक हिंदी। किसमें टूटी? मानक हिंदी, जो आज इस समय प्रयोग में किया जा रहा है, मानक हिंदी का ही आज प्रयोग हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी को यहाँ से देखिए, यहाँ ये हिंदी समझिए।
अब इसको यहाँ से पहुँचने में इतने रास्ते से गुजरना पड़ा, कहाँ से गुजरना पड़ा, इतने रास्ते से। कभी देखे कई बार परीक्षाओं में तो यही पूछ दिया है इसके विकास का क्रम, इसको उठा के यहाँ कर देगा, इसको यहाँ ऐसे ग्राफ उल्टा सीधा कर देगा, पूछेगा कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ सही है। आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या था, संस्कृत, संस्कृत के बाद पाल, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी, और आज मानक हिंदी भाषा का विकास हुआ है, तर्पण हुआ। अब ध्यान रखिए इस पे कई प्रश्न आपका बनेगा, पहले उन प्रश्नों को आप समझ लीजिए। प्रश्न ये बनेगा, पूछेंगे कि हिंदी की आदि जननी कौन है, आदि जननी कौन है हिंदी की, देखा है, देखिए कहाँ से आया है, संस्कृत है, तो हिंदी की आदि जननी कौन है, संस्कृत है। अगर संस्कृत को हटा दिया जाए, अब पूछा जाए हिंदी की आदि जननी कौन है, कौन है, पाली है, कन्फर्म हुआ। लेकिन हम बताना आपको क्या चाह रहे हैं, तत्सम शब्द ना, तत्सम शब्द हम आपको बताना चाह रहे हैं कि तत्सम शब्द किसे कहा जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में सीधा चले आए, नहीं समझ रहे हैं, संस्कृत के शब्द जो बिना किसी अवरोध के, जो बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी में चले आए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, नहीं कन्फर्म हुआ। और देखिए तद्भव किसे कहा जाता है, तो ऐसे संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द जो अन्य भाषाओं, अन्य भाषा मतलब ये आपका पाल, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट, इनसे रूपांतरित और परिवर्तित होकर के हिंदी में आई, वह क्या कहलाई, नहीं कन्फर्म हुआ, नहीं कन्फर्म हुआ। ये हमेशा आपको परिभाषा ही पूछ देता है, संस्कृत किसे तत्सम शब्द कहा किसे जाता है, तो आप बताइए तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए, उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द, कन्फर्म हुआ। फिर बताइए तत्सम शब्द जिन्हें, संस्कृत के शब्द जिन्हें ज्यों का त्यों हिंदी में स्वीकार कर लिया गया, उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। और तद्भव शब्द किसे कहा जाता है, थे तो संस्कृत के शब्द लेकिन वो कुछ रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में आए, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द, नहीं कन्फर्म हुआ। जैसे देखिए ये लिखा है मुख, देख रहे हैं नहीं, ये कैसा शब्द है, संस्कृत का शब्द है ना, आज भी हम लोग मुख कहते हैं, लेकिन यह इन भाषाओं से कुछ रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में आया, अब यह मुख की जगह क्या हो गया, मुख, देख रहे हैं नहीं, यह टीटी 2011 में पूछा था आपका, ध्यान रखिएगा, पूछा था जो है मुख कैसा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है, ये कैसा शब्द है आपका, ये तत्सम, और ये क्या है आपका, जैसे है देखिए छाया, देखिए छाया, छाया हम कहते हैं चलिए छाया, छाया में ना, तो छाया कैसा शब्द है, तत्सम, लेकिन अब यह बदल गया किसमें, छा में, ये चेक कैसा शब्द है, तत्सम, ये कैसा शब्द है, कन्फर्म हुआ। जैसे है अग्नि, अग्नि, अब अग्नि किसमें बदल गई, आग में, कन्फर्म हुआ। ध्यान रखिएगा ये जो है आपके तत्सम शब्द और ये क्या है, तद्भव शब्द, इतना अगर आपको कन्फर्म हो जाएगा कि तत्सम शब्द किसे कहा जाता है, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए, उन्हीं को क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। और तद्भव शब्द किसे कहा जाता है, तो संस्कृत के शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में आए, उन्हें हम क्या कहते हैं, कन्फर्म हुआ, सबका कन्फर्म हुआ। दूसरा देखिएगा देशज शब्द, इसको लिखवाना पड़ेगा, घबराइए नहीं, इसको लिखवाएंगे आपको तत्सम और तद्भव शब्द, इतना लिखवा देंगे वो परीक्षा में आपको हर हालत में पूछा जाएगा, उससे आगे कहीं नहीं पूछा जाएगा, इतना लिखवा देंगे। देखिए देशज शब्द, देशज शब्द, एक तो देख लीजिए सर बैठे हैं, देशज शब्द, देशज शब्द, अब इसको अगर दो भागों में तोड़ा जाए, एक होता है देश और दूसरा क्या होता है, जय का अर्थ होता है जन्मा या विकसित हुआ या उत्पन्न। तो अब कैसे इसकी परिभाषा देंगे, देशज शब्द की परिभाषा देंगे कि ऐसे शब्द जो स्वदेश में उत्पन्न हुए,
स्वदेश में विकसित हुए उन्हें क्या कहा जाता है? अभी डायट प्रोग्राम पूछा था, देश शब्द की परिभाषा लिखा था, पूछा था किसकी परिभाषा है, लिखा था कि ऐसे शब्द जिनके उत्पत्ति का पता नहीं चलता क्या कहलाते हैं? देश शब्द कहलाते हैं। ये उत्पन्न कैसे हो जाते हैं? ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण कैसे हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण क्या होते हैं? उत्पन्न जाते हैं। प्रथम हुआ जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं लोटा, ये कैसा शब्द है? देश शब्द। कहते हैं खुंखवा, कैसा शब्द है? देशज शब्द। जैसे कहते हैं टट्टी, कैसा शब्द है? देशज शब्द। कहते हैं थैला, कैसा शब्द है? कहते हैं गड़बड़, कैसा शब्द है? कहते सब गड़बड़ हो गया। ये सब कैसे शब्द हैं? कहते हैं फुनगी, फुनगी। अब ये कैसा शब्द है? देशज शब्द। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ऐसे शब्दों को हम क्या देते हैं? देशज। प्रथम हुआ ऐसे शब्द जो स्वदेश में उत्पन्न हुए, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण विकसित हो जाते हैं, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बन जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? देशज। प्रथम हुआ विदेश शब्द के बारे में देखिएगा, विदेश शब्द किसे कहा जाता है? विदेश शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों से हुआ। देखिए विदेश शब्द को विदेशी शब्द भी कहा जाता है, इसे आगत शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगत शब्द। इसका एक नाम है आगत शब्द। आगत का अर्थ होता है आया हुआ। क्या होता है? आया हुआ। आया हुआ कहाँ से आया हुआ? बाहर से। अब देखिए विदेशज जो शब्द आए हैं वह तीन दो तरीके से आए हैं। दो तरीके से कैसे आए हैं? पहला तो तरीका आपका कौन सा है कि कैसे आया? पहला तो मुस्लिम शासन के प्रभाव से। कैसे आए? मुस्लिम शासन के प्रभाव से अरबी फारसी अब शब्द आए, अरबी फारसी शब्द आए। और दूसरा कहाँ से आया? यूरोपीय शक्तियों का आगमन, यूरोपीय शक्तियों का आगमन और ब्रिटिश शासन के प्रभाव से, ब्रिटिश शासन के प्रभाव। ये शब्द आए आपके, जो आपके विदेशक शब्द हैं वह दो तरीके से आए। पहला तो है मुस्लिम शासन के प्रभाव से शब्द कौन कौन से आए? अरबी फारसी। दूसरा क्या रहा? यूरोपीय शक्तियों का आगमन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में जो आगमन हुआ उसके तहत, और ब्रिटिश शासन जो अंग्रेजी भाषा के शब्द आए, ब्रिटिश शासन के प्रभाव से जो अंग्रेजी भाषा के शब्द आए। तो ये दो तरीके से आप एक शब्द कहाँ से आए? विदेश शब्द। कन्फर्म हुआ। इसमें हम आपको लिखवाएंगे कौन सा शब्द किस तरीके से लिया गया है। जैसे आपके सुपर टेट में पूछा गया था कि हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से आया, तो किस भाषा का शब्द है या किस भाषा से आया? किस भाषा से आया? संस्कृत से नहीं आया है, फारसी। हाँ हिंदी से तो निकला, ये उत्पन्न हुआ, लेकिन ये पूछा था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी नाम, अगर हिंदी के नाम देने वाले सबसे पहले कौन है? देखिए इसके देख लीजिएगा, हिंदी की उत्पत्ति में देख लीजिएगा कि आप जानते हैं कि उत्तर और पश्चिम में एक नदी प्रवाहमान है, जिस नदी का नाम क्या था? सिंधु। कौन सी नदी प्रवाहमान थी? नदी कौन सी प्रवाहमान थी? सिंधु। देख रहे हैं कहीं, जब ईरानी फारसी की इस नदी पे आए तो स का उच्चारण ह में और ध का उच्चारण द में करते थे, इसलिए वह सिंधु को क्या नाम दिए? हिंदू। फिर हिंदू से आपका हुआ हिंद, और पश्चिम जो है ई प्रत्यय जोड़ करके हिंदी का विकास हुआ। देख रहे हैं, सबसे पहले नदी सिंधु, सिंधु के बाद आपका हुआ हिंदू, हिंदू के बाद आपका हुआ हिंद, और इसी में जो है ई प्रत्यय जोड़ करके विकास किसका हुआ? आपका हिंदी का विकास। कन्फर्म हुआ। तो आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है?
कंफर्म हुआ, यहाँ से देख लीजिए, इसके बाद छोड़ दे। तत्सम शब्द किसे कहा जाता है, तो संस्कृत के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में स्वीकार कर लिए गए ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। तद्भव शब्द किसे कहा जाता है, ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में आए उन्हें क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द भी कहा जाता है। देशज शब्द किसे कहा जाता है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उत्पन्न और विकसित हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज। विदेशज शब्द किसे कहा जाता है, ऐसे शब्द जो मूलतः विदेशी हैं, या यहाँ आगत शब्द भी कहा जाता है, अर्थात बाहर से अर्थात विदेशों से आए हुए शब्द जो हिंदी विदेशी भाषा के शब्द जो हिंदी में स्वीकार कर लिए गए उन्हें कौन सा शब्द कहा गया, विदेश शब्द कहा गया। कन्फर्म हुआ, विदेश शब्द के दो तरीके से विदेश शब्द, एक मुस्लिम शासन के प्रभाव से अरबी फारसी शब्द बने और दूसरा है यूरोपीय शक्तियों को आगमन और ब्रिटिश शासन के प्रभाव से जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द कन्फर्म हुआ। इसके साथ साथ छुट्टुकुट हैं, जैसे आपके पुर्तगाली आपके चीनी भाषा के शब्द हैं, डेनिश हैं, इस तरीके से कुछ शब्द हैं, कन्फर्म हुआ। अब तैयार करके आइएगा कल, फिर बताएंगे नेक्स्ट।